शहर के कोटा रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने एक युवती की हत्या कर शव झाड़ियों पर फेंकने का मामला सामने आया। सुबह राहगीरों ने युवती के शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। इधर शव की सूचना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद सिटी सीओ नरेंद्र दायमा और भीमगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची। जी हाँ, आपको बता दें, जहां पर पुलिस इसे प्रथम दृष्टि से हत्या ही मान रही है, वहीं मौके पर FSL टीम को बुला दिया गया है। साथ ही युवती के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस रास्ते पर युवती का शव मिला है, वहां कल रात से ही कोटडी श्याम मंदिर पैदल जाने वाले भक्तों की रेलम पेल है। भीमगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह थाने पर सूचना मिली थी। स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवती का शव झाड़ियों में फेंका हुआ है। शव को गले में चोट के निशान हैं। युवती के हाथ पर कन्या नाम गुदा हुआ है। प्राथमिक दृष्टि से यह हत्या का मामला ही नजर आ रहा है। मौके पर FSL टीम को बुलाया गया है। साथ ही युवती के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जिस रास्ते पर युवती का शव मिला है, कल रात से उस रास्ते पर कोटडी शाम पैदल जाने वाले भक्तों की आवाजाही है। ऐसे में मौके पर वारदात होने के बजाय यहां शव लाकर फेंकने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।